आप देख रहे हैं देव श्रीवास्तव के साथ केडीएस न्यूज। बेहतरीन खबरों के हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या जरूरत है कि हम एड्स डे को मनाते हैं? क्यों हम हर साल 1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं? क्यों हर साल दिवाली, ईद, लोहड़ी, क्रिसमस की तरह हम इसको सेलिब्रेट करते हैं? ये जरूरी है ताकि ये वर्ल्ड स्प्रेड डिजीज ना बन जाए, लाइक कोविड-19। हालांकि ये कॉन्टेजियस नहीं है, नॉन कॉन्टेजियस है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर 2020 तक 37.5 मिलियन केसेस एचआईवी पॉजिटिव के मिले हैं। सो बहुत ही फैटल है, इंजीरियस है। सो इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट दिस। इसलिए हमें सोसाइटी में जागरूकता फैलाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम यहाँ एड्स डे मना रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारी सोसाइटी में जितने भी डिजीज स्प्रेड होती है उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। उनको नजरअंदाज करने की वजह से हमारे विश्व घातक परिणाम देखने को मिल जाते हैं, जिसे रोकने के लिए हम सोसाइटी को अवेयर करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हम बनाते हैं इन डेज को, ताकि हम उन सबसे बच सके, उन्हें प्रिवेंट कर सके और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सके। तो इसके क्या क्या रीजन है कि एड्स फैल जाता है? एड्स दिवस पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा पॉलिटेक्निक कैंपस में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नोडल अधिकारी ACMO डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूरी खबर से आपको रूबरू कराने से पहले हम चाहते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जानते हैं हमारी खबरों को शेयर करें। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, एड्स दिवस के अवसर पर जनजागरूकता फैलाने के लिए बुधवार को राजकीय पॉलिटेक्निक लखीमपुर में भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं एड्स के सिंबल लगे गुब्बारों को हवा में छोड़कर जागरूकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है जो धीरे धीरे समूचे विश्व में को अपनी गिरफ्त में ले रही है। इसकी जानकारी ही बचाव है। उन्होंने बताया कि HIV एड्स का मुख्य कारण असुरक्षित यौन संबंध, HIV संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ना, बिना उबली हुई या इस्तेमाल की गई सुई का प्रयोग, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे में एड्स का होना, एड्स के जो एड्स के मुख्य कारण है। वो विश्व एड्स दिवस की शुरुआत 1 दिसंबर 1988 को ही थी, जिसका मकसद HIV एड्स से ग्रसित लोगों की मदद करना, उन्हें जागरूक करना और इसे फैलने से रोकना है। एड्स होने के साथ ही इन जो प्रमुख बातों का ध्यान रखना है, कि ऐसी चीज़ों को ना करा जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खाने छूने से एड्स नहीं फैलता। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में को एड्स के प्रति जागरूक करना, जागरूकता फैलाना है। साथ ही एड्स से जुड़े भ्रमों को दूर कर लोगों को शिक्षित करना है। HIV संक्रमित व्यक्ति को TV से संक्रमित, हम आपको यह भी बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि HIV संक्रमित व्यक्ति को TV से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण TV के लक्षण दिखने पर तत्काल इसकी जांच कराएं, जिसकी सुविधा के लिए TV अस्पताल सहित डॉट्स केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसकी निःशुल्क जांच की व्यवस्था है। कार्यक्रम के दौरान पोस्टर, स्लोगन संगोष्ठी, स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को जिला क्षय रोग अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन गुब्बारों को हवा में उड़ाकर किया गया। इस कार्यक्रम में मानव सेवा संस्थान से डॉक्टर शफीक अहमद, कमलजीत सिंह, TV अस्पताल से रंजीत शिखर वाजपेयी, जिला अस्पताल से शिवेंद्र श्रीवास्तव, गजेंद्र पाल, अमन मेहरोत्रा एवं CMHD से परमानंद सहित पॉलिटेक्निक के प्राचार्य व समस्त स्टाफ और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। ऐसी बड़ी खबरों को पाने के लिए अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।